इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया। कमलनाथ के अधिकारियों और प्रशासन पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कमलनाथ अधिकारी कर्मचारी को धमकाते और उनका अपमान करते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब भी धमकाते और अपमान करते थे, आज जब मुख्यमंत्री नहीं है तब भी धमका रहे हैं। वे समझ गए हैं कि कांग्रेस पूरी तरह हार रही है, अब हार का ठीकरा किसी ना किसी के सर तो फोड़ना ही होगा। रस्सी जल गई बल नहीं गया। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब भी अधिकारी कर्मचारियों को धमकाते थे और अपमान करते थे, और आज जब मुख्यमंत्री नहीं है तब भी पुलिस प्रशासन अधिकारी और कर्मचारियों को धमका रहे हैं। वो समझ गए हैं कि कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, अब हार का ठीकरा किसी न किसी के सर पर फोड़ना है, इसलिए पुलिस और प्रशासन के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कमलनाथ जी ये क्यों नहीं समझते? और जब जनता नाराज है और आपको हरा रही है तो आप कर्मचारी और अधिकारियों को अपमानित कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन पे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। हमारा प्रशासन निष्पक्ष है, निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। ये कर्मचारी अधिकारी पुलिस और प्रशासन का भी अपमान आपको महंगा पड़ेगा कमलनाथ जी।